लाइन है जो आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी। बुक्स लेकर आए हो ना आज एनसीईआरटी? वेरी गुड। खरीदी नहीं होगी कुछ ना तो एनसीईआरटी, या खरीद ली है? लेकर आए हो एनसीईआरटी आप? कल आए नहीं थे? अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ एनसीईआरटी होनी चाहिए पास में, क्योंकि क्या हम क्या पढ़ने वाले हैं अभी, गोल्ड सोल और बचा है उस चैप्टर का, सरफेस केमिस्ट्री का गोल्ड सोल और बचा है वो मैं बताऊंगी। उसके बाद में फिर एप्लीकेशंस वगैरह देख लेना खुद से कोलोइडल सॉल्यूशंस की, ठीक है? भी कुछ डाउट हो तो बता देना। हाँ उसके बाद में अब हम नेक्स्ट, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे पी ब्लॉक पर। पहले चलो गोल्ड सोल का और डिस्कशन कर लेते हैं हम, उसके बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो फिर नेक्स्ट चैप्टर के में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं वो डिस्कस कर लेंगे हम लोग, ठीक है? ठीक है, गोल्ड सोल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं अब। एक मिनट रुको, मैं बता देती हूँ। कल मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि लायोफिलिक और लायोफोबिक सोल्स का मैंने बताया था ना कि किस तरह से लायोफिलिक सोल्स को हम यूज में ले सकते हैं एज अ स्टेबलाइजर फॉर लायोफोबिक सोल्स। कुछ याद आ रहा है? उसकी सरफेस पे एडसॉर्ब हो गए थे कौन? लायो फो फिलिक, सॉरी है ना, कौन से वाले? लायोफिलिक सोल्स जो थे वो क्या हो गए थे? एडसॉर्ब हो गए थे। किसकी? लायोफोबिक की। एक एडसॉर्ब नहीं हो गए थे, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि इसके अराउंड इनकी क्या सॉल्वेशन कैपेसिटी होती है ना, इसके अराउंड एक लेयर फॉर्म कर देते हैं ये, एक तरह से क्या कर देते हैं, लेयर फॉर्म कर देते हैं जो कि इनको सेटल डाउन होने से प्रिवेंट कर देती है ना। तो ये स्टेबल रहते हैं, घूमते रहते हैं इधर के उधर पार्टिकल्स। तो अब वैसे ही यहाँ पे गोल्ड सोल पढ़ेंगे हम। गोल्ड सोल क्या होता है? बेसिकली एक नंबर है, एक रेंज आएगी इसमें। तो वो जैसे जिलेटिन हो गया, स्टार्च हो गया, हाँ गम हो गया, इनका एक फिक्स रेंज है, इनके एक फिक्स गोल्ड सोल का इनको नंबर या इनकी रेंज है, जिसमें क्या होता है मतलब इनकी कितनी कैपेबिलिटी है, इनकी क्या है कि कितनी ज्यादा कैपेबिलिटी है कि मतलब कितना कम अमाउंट में इनको ऐड किया जाए कि ये क्या कर सके, उसके आसपास एक लेयर बना देवे, ठीक है? इस तरह से मतलब इनकी कैपेबिलिटी को लेके बात होती है इसमें। मतलब जिस जित जैसे गोल्ड सोल क्या होता है, जो नंबर ऑफ मिलीग्राम, ठीक है, द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ लायोफोबिक सोल्स विच मस्ट प्रिवेंट द कोएगुलेशन या फिर प्रेसिपिटेशन ऑफ, ये पूरा टर्म्स याद रखना है, 10 ml ऑफ लायोफिलिक सोल इन विच 10% ऑफ 1 ml ऑफ NaCl सॉल्यूशन इज एडेड। क्या बोल दिया ये? हाँ ये गोल्ड सोल की डेफिनेशन होती है, ये आप लोगों को याद में रखनी है। मतलब मैं बोलना चाह रही हूँ कि कितना नंबर, गोल्ड सोल क्या होता है, द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ लायोफिलिक सोल जो कि आपको ऐड करना होता है, लायोफिलिक सोल, द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ लायोफिलिक सोल दैट मस्ट बी एडेड सो जस्ट एज टू प्रिवेंट द कोएगुलेशन या फिर प्रेसिपिटाइजेशन ऑफ 10 ml। ये सब एक डेटा है, अगर आप ये सब चीजें फिक्स रखते हो, 10 ml ऑफ लायोफोबिक सोल जिसके अंदर आपने 10% ऑफ 1 ml ऑफ NaCl इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया हो, तो वो जो नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ लायोफिलिक सोल होगा उसको हम बोलेंगे गोल्ड नंबर, ठीक है? तो अब जितना ज्यादा, जितनी कम आपके गोल्ड नंबर की वैल्यू होगी, मतलब आपको उतना कम ऐड करना होगा नंबर ऑफ मिलीग्राम, समझ रहे हो? गोल्ड सोल होता ही क्या है, नंबर ऑफ मिलीग्राम होता है।
में होता है कि हाँ ये रेंज ऐसी होती है, कि ऐसी रेंज होती है, ठीक है, या फिर आपको वो खुद ही रेंज दे के रख देगा कि ये गोल्ड सोल की वैल्यूज हैं, जिलेटिन के लिए इतनी है, गम के लिए इतनी है, स्टार्च के लिए इतनी है, प्रोटीन के लिए इतनी है। अब आप इनमें से बताओ कि कौन किसकी इसमें जो जो कैपेसिटी है, कौन किसकी इसमें पावर ज्यादा है कम है, उस अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन बनता है वो मैं बता दूंगी। हेडिंग गोल्ड सोल, इसमें लिखेंगे द नंबर ऑफ मिलीग्राम, द नंबर ऑफ गोल्ड सोल में हेडिंग डाल के इसमें लिखेंगे द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ लायोफिलिक सोल दैट विल जस्ट प्रिवेंट द कोएगुलेशन दैट विल जस्ट प्रिवेंट द कोएगुलेशन ऑफ 10 ml ऑफ, यहाँ पे गोल्ड के लिए स्पेशली बात की जाती है, इसीलिए यहाँ पे 10 ml ऑफ गोल्ड सोल ऑन द एडिशन 1 ml ऑफ 10% NaCl सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे लायोफिलिक को तो हमने फिक्स करके रख दिया है, लायोफोबिक को तो हमने फिक्स करके रख दिया है कि गोल्ड सोल के लिए हम बात करेंगे, है ना, इसीलिए यहाँ पे गोल्ड नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, हायर द गोल्ड नंबर लोअर इज द प्रोटेक्टिंग पावर। यहाँ पे करेक्शन कर लेना, गोल्ड नंबर है, गोल्ड सोल नहीं है, मैंने बोला तो गोल्ड ना सोल ही बोला था क्या सोल ही बोला था क्या नहीं 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 गोल्ड नंबर बोला गोल्ड सोल ही बोला था, अच्छा वही दिमाग में चल रहा होगा, वो सोल ही बोला था क्या, ठीक है नहीं गोल्ड नंबर बोलते हैं। एक फिक्स रेंज दी जाती है उसमें, ठीक है, हाँ, हायर द गोल्ड नंबर लोअर इज इट्स प्रोटेक्टिंग पावर। उसके बाद डिफरेंट इसमें सबसे पहले जिलेटिन में क्या होता है, 0.005 से 0.31 होती है इसकी गोल्ड नंबर जो होता है इसमें, गोल्ड नंबर ये मतलब किसमें है, मिलीग्राम में, किसमें है ये मिलीग्राम में, नंबर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि, है ना, नंबर है पर ये नहीं है कि यूनिट नहीं है ना, नंबर है पर मिलीग्राम में है ये सारे के सारे ही। रेंज दे दी तो आपको पता होना चाहिए किसकी प्रोटेक्टिंग पावर ज्यादा होगी,
हेलो 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 जीरो पॉइंट जीरो हाँ तो गम की 0.15 से 0.25 भी है, 0.005 से 0.001 है या 0.001 है? 0.01 है, ठीक है। और ये इसकी भी कैसिन की भी चेक करो, कैसिन की भी इतनी है क्या 0.01? ये इसमें कुछ करेक्शन है, ये करेक्शन कर लेना आप लोग गोल्ड नंबर में, ठीक है? वही सारी ना, गोल्ड नंबर में कुछ करेक्शन है, करेक्शन कर लेना आप लोग। हाँ अभी अभी बात करते हैं पी ब्लॉक के लिए बस, ठीक है? गोल्ड नंबर यही है ना, 0.01 ही है ना, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, ये चैप्टर एंड हो चुका है सरफेस केमिस्ट्री। सारे के सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं इसके, जो जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं वो दिमाग में रखना, उस अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं पी ब्लॉक की। अब बात करते हैं पी ब्लॉक, और भी बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, आपको ये गोल्ड नंबर की वैल्यू याद रखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, बस हाँ क्वेश्चन में जरूर वो दे सकता है रेंज, तो आपको कंपैरिजन करवा सकता है वो, अदरवाइज व्हाट इज गोल्ड नंबर पूछा जाता है मेनली, व्हाट इज गोल्ड नंबर, और एक दो और इसमें क्वेश्चन ऐड करके वो दे दे, तो वो उसके ऊपर है। हाँ अब स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में पूछा क्या जाता है वो मैं बताती हूँ, सबसे पहले तो वो सुनो कि पी ब्लॉक में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो सबसे पहले तो केमिकल रिएक्शन, कोई सी भी केमिकल रिएक्शन आएगी ही आएगी इस चैप्टर में से, और ऐसा नहीं एक ही केमिकल रिएक्शन, दो तीन केमिकल, मैक्सिमम तीन केमिकल रिएक्शंस पूछी जा सकती हैं, तो इस चैप्टर में जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो हमें सारी की सारी लर्न होनी चाहिए। पर कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बहुत ही बार पूछी गई है, समझो सारी नहीं भी याद हो रही है किसी को तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दूंगी, तो आप उन स्टार मार्क लगा लेना, तो वो तो आपको याद करके ही जानी है। मेंस में भी पूछ ले वो, ठीक है? तो पी ब्लॉक में केमिकल रिएक्शन पूछी जाएगी एक तो, दूसरा आपसे रीजन पूछा जाएगा, ठीक है? आपसे रीजन पूछ लिया कि NO2 जो होता है वो डाइमर बनाता है क्यों, ठीक है? इस टाइप से कुछ भी रीजन रीजन बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा जाता है। थर्ड जो है आपसे स्ट्रक्चर बनवा सकता है वो, थर्ड जो है वो आपसे स्ट्रक्चर बनवा सकता है, स्ट्रक्चर जिनॉन के ऑक्साइड्स का स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में, जिनॉन अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोबल गैसेस हैं इस चैप्टर में, तो नोबल गैसेस की भी केमिकल रिएक्शन और उनके स्ट्रक्चर्स और बाकी और भी जो है स्ट्रक्चर्स, वो स्ट्रक्चर पे भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है? तो मैंने ये तीन टाइप के पॉसिबल क्वेश्चंस बता दिए, उसके अलावा बाई चांस अगर पूछ लिया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे, उसने एटॉमिक नंबर दे दिया आपको, बता दो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो आप उसको बता देना, ठीक है? उसके अलावा फिर नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है ना, और ये पी पाई बॉन्डिंग बना रहा है ये क्यों बना रहा है, पी पाई डी पाई क्यों बना रहा है ये, और मतलब इस टाइप से ही जनरली क्वेश्चंस होंगे,
है ना, प्रिपरेशन के बारे में मैं पूछ सकता है, वो घी अमोनिया है, अमोनिया की प्रिपरेशन कौन से प्रोसेस से की जाती है, किस तरह से वो प्रोसेस है, क्या उसके बारे में बताओ, ये सब है ना, इस टाइप का एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन। पर इम्पोर्टेंट हमें मेन जो फोकस रखना है वो रखना है कि केमिकल रिएक्शन, ठीक है, केमिकल रिएक्शन तो आएगी ही आएगी मान लो इसमें से। उसके अलावा दूसरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा इस चैप्टर के लिए, अगर आप लोग थोड़ा सा जल्दी इस चैप्टर को करना चाहते हैं, अगर एग्जाम आ गया है, आपने पी और डी ब्लॉक नहीं करा पढ़ रखा है, मेरी यही एडवाइस रहेगी आप लोगों को कि एनसीईआरटी में इंटेक्स क्वेश्चन, एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज इनफ है, ठीक है। ऐसा नहीं आप एक 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 लाइन वापस से पढ़ने के लिए बैठ गए हो, है ना, पी ब्लॉक बड़ा चैप्टर है, ऐसा नहीं है आप एक 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 लाइन वापस से रिवाइज एक बार रीड कर रहे हो कि एक बार ये मैं रीड करवा देता कर लेता हूँ। अभी जो मैं पढ़ाऊंगी वो आपको मैं एक 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 लाइन से बता दूंगी, है ना, ताकि आप लोगों को सारे के सारे पॉइंट्स दिमाग में रह जाएंगे। लेकिन आपको प्रैक्टिस जो करनी है वो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के क्वेश्चन, उनसे तो आते ही, एक्सरसाइज और एग्जाम्पल और इनटेक्स क्वेश्चन, ये तो करना ही है, इन्हीं में से इन्हीं के आसपास ही क्वेश्चन घूमते हैं, बाकी अलग से कोई क्वेश्चन नहीं बनता इसमें, थ्योरेटिकल अलग से नहीं बनाएगा वो कोई क्वेश्चन, ठीक है। जैसे अलग से नहीं बना के दे देगा आपको कि आयोनाइजेशन एनर्जी है वो इसमें इस तरह से वेरी हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है इस तरह से, ठीक है, अलग से बहुत कम चांसेस होते हैं अगर बाई चांस उसने बना दिया तो। बट आप लोगों को रिएक्शंस भी जनरली आप लोग देखना, आपको एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें रिएक्शंस पूछी गई है ना, तो वही वाले क्वेश्चंस बहुत बार आए हुए हैं एनसीईआरटी में, एक्सरसाइज में कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनमें रिएक्शन ही पूछी गई है, तो वही वाले क्वेश्चन वो रिपीट करता रहता है, तो वो वाली रिएक्शन तो हमें बिल्कुल बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए, ठीक है, कि किस तरह से वो रिएक्शन अकर हुई है। दूसरा कि उन रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है, ऐसे देखो कोई मैकेनिज्म तो होती नहीं है, है ना, आप लोगों को मतलब क्या क्या हमें प्रोडक्ट्स ऑब्जर्व हुए हैं वो जो मैकेनिज्म है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है ना, जो भी वो भी कुछ रिएक्शंस की आप लोगों को वहां पे बताई जाएगी, बाकी यहाँ पे जो रिएक्शन है ये प्रोडक्ट्स मिल रहे थे हमें, ये आपको उसी अकॉर्डिंग ही लर्न करने हैं कि भाई अगर डाइल्यूट HCl के साथ में रिएक्शन कर लिया, कंसेंट्रेटेड HCl के साथ में रिएक्शन कर लिया तो किस तरह से क्या क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे, तो उस टाइम पे जो जो हमें प्रोडक्ट्स बने वो प्रोडक्ट्स हमें वैसे के वैसे याद में रखने हैं, यानी कैसे आ गया ये, एक में नाइट्रोजन ऑक्साइड बन रहा है, एक में परोक्साइड कैसे बन गया, क्या हो गया ये, है ना, तो ऐसा नहीं, हमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमें ऐसे कैसे याद रखने, तो केमिकल रिएक्शन तो एज इट इज याद रखनी है। चैप्टर स्टार्ट करते हैं आपका बुक आप दोनों शेयर कर लो बुक, ठीक है, पी ब्लॉक। सबसे पहले पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक जो होता है पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में फोकस होते हैं एसपी डी और एफ, हम सिर्फ पी ब्लॉक के बारे में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। पी ब्लॉक में भी सबसे पहले हम नाइट्रोजन फैमिली के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमिनी और बिस्मथ, ठीक है, ये क्या है, सारे के सारे ही ग्रुप 15 एलिमेंट्स हैं। हाँ, इस ये जो ग्रुप 15 है इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, NH2NP3, ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब जैसे नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ लिया तो 2s2 2p3, फॉस्फोरस और यहाँ पे, ठीक है, वैसे ही सारी की सारी नोबल गैसेस लिख दो, हाँ, उसके बाद क्या लिखोगे, 3s2 3p3, उसके बाद 3d10 4s2 4p3, उसके बाद 4d10 5s2 5p3, ठीक है, उसके बाद क्या लिखोगे, 4f14 5d10 6s2 6p3, ठीक है, 4f14 5d10 6s2 6p3, ये सब इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गए, बाय चांस क्वेश्चन पूछ लिया तो बता देना। उसके बाद में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड हमने बात कर ली है, इनकी अगर अकरेंस की बात की जाए तो नाइट्रोजन जो है एक तो गैस है ना, नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, उसके अलावा कुछ नाइट्रेट्स की फॉर्म में भी ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है,
फॉस्फोरस जो है और नाइट्रोजन प्रोटीन्स में भी प्रेजेंट होती है ना, प्रोटीन्स वगैरह ह्यूमन बॉडी के अंदर प्लांट्स में जो भी है उसमें भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है, फॉस्फोरस भी फॉस्फेट्स वगैरह हाँ रॉक्स में ये सब वहां पे प्रेजेंट होता है फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सभी नेचुरल में नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस होते हैं. इनमें हाँ इनमें एक और आता है मॉस्कोवियम, मतलब इसके बाद एक और एलिमेंट आता है मॉस्कोवियम, लेकिन इसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि एक ये सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है जिसके बारे में अभी कुछ ज्यादा डिस्कवरी नहीं की गई है ना, इसकी ज्यादा हमें कुछ ज्यादा खास प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं पता, तो इस वजह से हम इसके बारे में नहीं डिस्कस करेंगे. उसके बाद में जो क्या बोलते हैं नेक्स्ट हम आते हैं एटॉमिक और आयोनिक रेडियस के ऊपर, है ना, टॉपिक बाय टॉपिक लेते जाएंगे, एक 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 पॉइंट पूरा डिस्कस करते जाएंगे. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दिया, उसके बाद आते हैं हम एटॉमिक एंड आउट ऑफ एनसीईआरटी. हाँ कुछ ऐसे क्वेश्चंस तो होते हैं है ना, एनसीईआरटी मतलब तो कुछ कह नहीं सकते, आ रही बात समझ में, होते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन वो बना दे, पर हाँ एनसीईआरटी पे ही ज्यादा फोकस रखना, मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस इसमें एनसीईआरटी पे से ही आएंगे. उसके बाद में अलग से तो वो क्या ही बनाएगा, हम सारी की सारी तो प्रॉपर्टीज इसमें डिस्कस कर ही लेंगे है ना. उसके बाद में नेक्स्ट हम आते हैं एटॉमिक और आयोनिक रेडियस पे. आपको पता ही है टॉप से बॉटम में जाओगे तो एटॉमिक और आयोनिक रेडियस बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी. क्यों बढ़ती है, क्योंकि शेल बढ़ते जाता है ना, एक एक शेल क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है. यहाँ पे टू है, यहाँ पे थ्री, फोर, फाइव, सिक्स है ना, एक एक शेल क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है टॉप से बॉटम मूव करते. पर यहाँ पे थोड़ा सा हमें एक थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा, चेंज तो नहीं देखने को मिलेगा, मतलब एक बोल सकते हैं ना कि एटॉमिक रेडियस टॉप से बॉटम में हम क्या देखते हैं कि भाई बढ़नी चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन से फॉस्फोरस अच्छा खासा इंक्रीमेंट होता है ना. उसके बाद में एक जो इंक्रीमेंट होता है ना, होता तो है लेकिन इतना ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं, मतलब समझ रहे हो, एक थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए ना एटॉमिक रेडियस, क्योंकि एकदम एक नई शेल आ गई तो थोड़ा ज्यादा एटॉमिक रेडियस को बढ़ना चाहिए, लेकिन वो क्यों नहीं हो पाता है, बिकॉज ऑफ द पुअर शील्डिंग ऑफ कौन कौन सी ऑर्बिटल्स, डी और एफ ऑर्बिटल्स की पुअर शील्डिंग के कारण जो इनकी एटॉमिक साइज जो हम एक्सपेक्टेड थी, भले बढ़ तो रही है, नो डाउट बढ़ रही है ठीक है, लेकिन एक जो हम सोचे ना कि यार अच्छा खासी बढ़नी चाहिए तो वो इतनी अच्छी खासी नहीं होती ठीक है, क्यों, बिकॉज ऑफ द पुअर शील्डिंग ऑफ डी और एफ ऑर्बिटल. एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है लेकिन पुअर शील्डिंग ऑफ डी और एफ ऑर्बिटल के कारण यहाँ पे जो चेंजेस देखने को मिलते हैं ना एटॉमिक साइज में, इतने अलग नहीं होते इतना ज्यादा ठीक है. नेक्स्ट देखेंगे हम आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी. हाँ आयोनाइजेशन एंथैल्पी बताओ, टॉप से बॉटम मूव करोगे तो बढ़ेगी या कम होगी, कम होगी ठीक है, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल इन इट्स गैसियस स्टेट. गैसियस स्टेट में से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, जब आप टॉप से एटॉमिक साइज बढ़ रही है इजिली इलेक्ट्रॉन को क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे ठीक है. दूसरा एक और पॉइंट इसमें कि इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो ग्रुप 14 वालों से क्या होती है, ज्यादा होती है, और इधर आगे कौन आ गया, ग्रुप 16 वालों से भी ज्यादा हो गई. क्यों हो गई, बिकॉज ऑफ द एग्जैक्टली हाफ फिल्ड ठीक है, हाफ फिल्ड है एटॉमिक ऑर्बिटल्स इनकी, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ठीक है. और अगर आपसे पूछ ले कि थर्ड वाली फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, सेकंड ज्यादा होगी कि थर्ड ज्यादा होगी, फर्स्ट है ना, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एग्जैक्टली हाफ फिल्ड में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ेगा ठीक है. उसके बाद में नेक्स्ट आ जाओ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सॉरी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी. हाँ हाफ फील्ड होती है ठीक है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता ही है, जनरली डिक्रीज डाउन द ग्रुप बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन एटॉमिक साइज ठीक है. उसके बाद में नेक्स्ट आ जाते हैं हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं. फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको पता है नाइट्रोजन डायटॉमिक होती है, गैस होती है. उसके बाद जो बाकी अदर जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं. अदर्स कैसे होते हैं, बाकी सॉलिड होते हैं नाइट्रोजन के जो हाँ. और आपको पता है कि जो एक और चीज मैं बता देती हूँ, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन मेटल होते हैं. ये क्या हो गए आपके, मेटलॉइड्स हो गए
और ये क्या हो गया आपका, मेटल हो गया। तो भाई टॉप से बॉटम मेटल ही कैरेक्टर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, वो यहाँ पे साफ दिख ही रहा है आपको, ठीक है। तो उसके अलावा हाँ, उसके आपको इंक्री बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इंक्रीज होता है टॉप से बॉटम। क्यों इंक्रीज होता है? मास इंक्रीज हो रहा है ना इनका, ठीक है। मास इंक्रीज होता जा रहा है टॉप से बॉटम, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता जा रहा है? बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, है ना। उसके बाद क्या होता जा, हाँ, सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट में एक ये डिफरेंस देखने को मिलता है कि बॉइलिंग पॉइंट तो एक रेगुलर ट्रेंड में इंक्रीज होता है, बाकी जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो इंक्रीज करता है आर्सेनिक तक, उसके बाद क्या हो जाता है, डिक्रीज होने लग जाता है किनमें, हाँ, टेन सॉरी एंटीमनी और लेड में, सॉरी लेड नहीं, बिस्मत में। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज जहां इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा वहां पे मैं अपने आप ही रोक के वो आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी, वो लिखवा दूंगी मैं, है ना। इस चैप्टर में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी वो मैं नोट डाउन करवा दूंगी, बाकी तो जो चल रहा है इसी स्पीड से चलेगा। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब कि आपको पता है कि ये जो क्या बोलते हैं ग्रुप है वो तीन ऑक्सीडेशन शो करता है, कौन सा, -3 +5 और +3, -3 +5 और +3। -3 की जो कैपेसिटी होती है टॉप से बॉटम, -3 बनने की जो कैपेसिटी होती है वो डिक्रीज होती जाती है। नाइट्रोजन -3 शो करता है, जैसे बिस्मत तक आते जाओगे मेटली कैरेक्टर बढ़ गया, -3 तो शो नहीं कर देगा वो, ठीक है। तो ये क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। +5 की भी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, और +3 की क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। क्या होती जाती है, हाँ वो मैं बताती हूँ। ये +5 तो शो कर रहा है, +3 भी शो कर रहा है, +5 डिक्रीज हुई, +3 इंक्रीज हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है इसका, इनर्ट पेयर इफेक्ट। किसी को पता है इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, क्या होता है? नो, और कोई, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, पहले तो मुझे एक बात बताओ, आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं पता? 11th में नहीं पढ़े थे? आधे तो रिवीजन आप मुझे एक बताओ। अच्छा ठीक है, एक बहुत बड़ी हिंट बता देती हूँ। नो, एक बहुत बड़ी हिंट है, इनमें कितने का चेंज आ रहा है, +2 मतलब, मतलब इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है अनविलिंगनेस ऑफ एस ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स टू टेक पार्टिसिपेट। समझो, एस ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स ने मना कर दिया, हम तो जाएंगे ही नहीं। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स। एस वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो टाइटली बाउंड हो चुके हैं न्यूक्लियस से, डी और एफ पुअर शील्डिंग कर रहे हैं, एस वाले इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं पाएंगे, निकल ही नहीं पाएंगे, तो फिर सिर्फ और सिर्फ +3 ही शो कर पाएगा ये। आई बात समझ में, क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। तो ये लिख लो पॉइंट, अब जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे ना बस वो ही लिखवाऊंगी पूरे चैप्टर में, सारा कुछ नहीं लिखवाऊंगी मैं। हाँ, जो जो इंपॉर्टेंट है जो पूछा जा सकता है बस वो लिखवाऊंगी, सारे पॉइंट्स नहीं लिखवाऊंगी। लिखो, द स्टेबिलिटी ऑफ, द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, जो जो इंपॉर्टेंट होगा वही लिखवाऊंगी, सारा नहीं लिखवाऊंगी। द स्टेबिलिटी ऑफ, द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस, डिक्रीजेस एंड दैट ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इनक्रीजेस एंड दैट ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इनक्रीजेज बिकॉज ऑफ द इनर्ट पेयर इफेक्ट, बिकॉज ऑफ द इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट के ब्रैकेट बना के लिखो, अनविलिंगनेस ऑफ एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, अनविलिंगनेस ऑफ एस ऑर्बिटल, ऑर्बिटल लिखना,
ऑर्बिट नहीं, अनविलिंगनेस ऑफ एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स टू टेक पार्टिसिपेट, टू टेक पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, इन बॉन्डिंग बिकॉज ऑफ द, बिकॉज ऑफ द, बिकॉज ऑफ द पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ, बिकॉज ऑफ द पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. उसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन प्लस फाइव तो शो करता ही है, वो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर भी शो करता है. एक मिनट, हाँ, प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री नहीं करता है. नाइट्रोजन जो है वो प्लस वन प्लस टू प्लस फोर प्लस फाइव भी क्या करता है, शो करता है. किसके अलावा? इन इन अदर इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स के अलावा. किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ में. किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ में. एक मिनट में चेक कर. हाँ, प्लस थ्री भी नाइट्रोजन का ऑक्साइड होता है ना, इसमें लिख नहीं रखा है एनसीईआरटी में, इस वजह से. हाँ, N2O3 प्लस थ्री भी करता ही है ना, इसमें एनसीईआरटी में प्लस थ्री भी लिख लेना आप लोग, वही. ठीक है, प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर ऑक्सीजन के साथ में, जब वो ऑक्सीजन के साथ में क्या होता है, रिएक्ट होता है. उसके बाद में फॉस्फोरस भी प्लस वन और प्लस फोर शो करता है उसके कुछ ऑक्सो एसिड्स में. उसके बाद में हाँ, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो होता है वो प्लस वन से प्लस फोर में क्या हो जाता है, डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है. किसमें? एसिड सॉल्यूशन में. इसमें इस रिएक्शन पे स्टार लगा लो, इस रिएक्शन पे स्टार लगा लो. अगर आप लोगों को बोल दे कि हाँ नाइट्रोजन का जो है, नाइट्रोजन की डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन लिख के बताओ इन एसिड सॉल्यूशन, है ना, कि किस तरह से यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो प्लस वन से प्लस फोर में जा, मतलब स्टेट शो कर रहा है, तो यहाँ पे आप लिखोगे HNO3 प्लस H2O प्लस ट्वाइस ऑफ NO. डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन आपको पता है क्या होता है? क्या होता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, बताओ? अरे प्लीज बता दो. हाँ एग्जैक्टली. अगर एक ही एलिमेंट का किसी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो जा रहा है और रिडक्शन भी हो जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, है ना. तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन भी हो जा रहा है, नाइट्रोजन का रिडक्शन भी हो जा रहा है ना. तो ये क्या है? उसकी डिस्प्रोपोर्शनेशन वाली रिएक्शन मैंने लिख दी है. उसके बाद में नेक्स्ट जो है, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मैं लिखवाऊंगी भी, कि नाइट्रोजन जो है वो अपनी कोवेलेंसी, नाइट्रोजन कैन नॉट इंक्रीज इट्स कोवेलेंसी बियॉन्ड फोर, व्हाई? बताओ बताओ, ऑनलाइन है वो बताओ. नाइट्रोजन कुछ को तो कोवेलेंसी है, ये कौन सा टर्म कब डिस्कवर हुआ, हमें तो बताया ही नहीं. हाँ अच्छा होता है, हाँ होता है हा? अच्छा बेटा क्या मतलब कोवेलेंसी क्या होता है? हाँ कोवेलेंट बॉन्ड, वेरी गुड. ओह माय गॉड, बहुत ज्यादा वाह 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 कृष्णा, बहुत ही पुअर कंडीशन. हाँ एचपी ने सही आंसर दिया है. नहीं विवश, चेक करो अपना आंसर. अरे बताओ नाइट्रोजन क्या, कोवेलेंसी क्या होता है बताओ. मैं तो आप लोगों को ये आंसर बताने वाली थी कि नाइट्रोजन के अंदर, पर पता चला है तो कोवेलेंसी नहीं बता हमें, फिर क्या करोगे ये बताओ. बहुत बेटा मेंस है कि नहीं है, मेंस में क्या जय माता दी लेट्स रॉक करके आने वाले हो? हाँ तो क्या करोगे? कोवेलेंसी क्या होता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम विद अनादर एटम. ठीक है, तो नाइट्रोजन जो है उसकी जो कोवेलेंसी है, कंबाइनिंग कैपेसिटी, वो ज्यादा से ज्यादा अपने आसपास फोर बॉन्ड बना सकता है ना, उससे ज्यादा. वो भी मैं बता दूं भी, नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन कैन नॉट इंक्रीज इट्स कोवेलेंसी बियॉन्ड फोर. क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल.
आई बात समझ में, नाइट्रोजन कैन नॉट इंक्रीज इट्स कोवेलेंसी बियॉन्ड 4 बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल. लिख लो इसमें, पॉइंट बना के लिखो इसमें. हाँ 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 कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम विथ अनदर एटम बॉन्ड बनाता है. हाँ तो वही तो, वही तो हमें रिप्रेजेंट करना है आंसर में, एग्जाम में वही तो होगा. अच्छा हाँ, ज्ञान पर वो आपको ये अपने तक ही सीमित रख रखा है आपने, आपको किसी को बताना हो तो नहीं बता पाओगे. चलो लिखो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के लिखो. नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कैन नॉट इंक्रीज इट्स कोवेलेंसी बियॉन्ड 4. नाइट्रोजन कैन नॉट इंक्रीज इट्स कोवेलेंसी बियॉन्ड 4 बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल. बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल. अब तो कुछ तो कि वैकेंट डी ऑर्बिटल कहाँ, मतलब क्या हो गया ये, बताओ क्या होता है वैकेंट डी ऑर्बिटल बताओ. हाँ तो इसमें नहीं रह रहा है क्या खाली. नहीं किसी का भी आंसर सही नहीं आ रहा है. एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें क्यों नहीं है, इसमें बताओ इसमें डी ऑर्बिटल क्यों नहीं है. हाँ एक्साइटेड स्टेट में क्या, हाँ क्यों नहीं पहुंच पाएंगे डी ऑर्बिटल तक इलेक्ट्रॉन, डी ऑर्बिटल तक इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं पहुंच पाएंगे नाइट्रोजन में. अरे 2D होता है क्या, तो फिर क्या आंसर है इसका, 2D होता ही नहीं है तो वैकेंट डी ऑर्बिटल है ही नहीं इसमें डी. बाकी इनमें 3D होता है, 4D होता है, 5D होता है, फिर चलो कोई बात नहीं. हाँ ठीक है बहुत सारा याद है हमें. ठीक है बाकी सब अपनी कोवेलेंसी बियॉन्ड 4 क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं. जैसे फॉस्फोरस है Pf6- ये बना दिया इसने. ठीक है बाकी सब अपनी कोवेलेंसी क्योंकि उनमें डी ऑर्बिटल वैकेंट होती है, 3D होता है, 4D, 5D, 6D सब होता है. उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन. नाइट्रोजन कुछ ज्यादा ही अलग बिहेवियर कर रहा है भाई, क्यों हो गया ऐसा नाइट्रोजन में. नाइट्रोजन जो होता है वो डिफरेंट होता है, क्यों होता है, अंडरलाइन करो इस लाइन को एनसीईआरटी में पेज नंबर 172 पे, ये लाइन अंडरलाइन करो कि क्योंकि कभी कभी कुछ ज्यादा इजी क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर. एनिमल्स बिहेवियर पे पूछा गया क्वेश्चन है ये कि नाइट्रोजन क्यों अलग से बिहेव कर रहा है, क्यों, क्योंकि अंडरलाइन करो इस पे, स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल. ये चारों के चारों पॉइंट्स लिख के आने हैं. ठीक है हाँ उसके बाद में नाइट्रोजन की एक कैपेबिलिटी होती है, क्या होती है, पी पाई पी पाई बॉन्ड बना लेता है. ठीक है बाकी के जो एटम्स होते हैं, बाकी के वो पी पाई बॉन्डिंग नहीं बना पाते, बताओ क्यों. देखो आप पहले मुझे बता दो पी पाई बॉन्डिंग क्या होती है नाइट्रोजन में, क्या पी पाई बॉन्डिंग होती है, क्या होती है पी पाई बॉन्डिंग क्या होती है ये बताओ. अरे देखो जो आंसर पड़ेगा ना तुम लोगों के एक ही नहीं है, मतलब काफी काफी हंसने वाला है वो, है ना, काफी हंसने वाला है वो. नहीं पता नहीं कौन सी वाली इंग्लिश लिख के आओगे तुम वहां पे. ठीक है देखो नाइट्रोजन में आपको पता है इसका आवाज नहीं 1s2 2s2 2p3 है ना. एक्साइटेड स्टेट में भी यही रहने वाला है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि 2d तो होता ही नहीं है. तो अब आपको पता है यहाँ पे 2s तो हो गया, 2p में कितने हैं,
थ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, एक नाइट्रोजन का। दूसरा नाइट्रोजन जो है उसमें भी सेम यही रहेगा, थ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अगर आप इसको पी एक्स, इसको पी वाई, इसको पी जेड मान रहे हो, इसको पी एक्स, इसको पी वाई, इसको पी जेड मान रहे हो, तो आपको पता है ना कि अगर पी में तीन ऑर्बिटल्स होती है ना, एक को पी एक्स, एक को पी वाई, एक को पी जेड बोलते हैं, तो एक तो सिग्मा बॉन्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, दो पाई बॉन्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो एक तो ये यहाँ पे चले गया, ठीक है, सपोज इसने सिग्मा बॉन्ड बना लिया, तो बाकी के दो क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड। और यहाँ पे पी डी तो है ही नहीं कुछ भी, तो पी पाई डी पाई बॉन्डिंग तो हो ही नहीं पाएगी इसमें, तो कौन सी बॉन्डिंग हो पाएगी इसमें, पी पाई बॉन्डिंग ही पॉसिबल है। इसी में लिखो नेक्स्ट पॉइंट बना के, नाइट्रोजन हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म, वॉइस कट रही है कुछ आवाज, नो प्रॉब्लम इन वॉइस, ठीक है ठीक है। हाँ इसमें लिखो आप पॉइंट बना के लिखो, इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखवा रही हूँ। नाइट्रोजन हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड वाइल वाइल अदर एलिमेंट अदर वाइल अदर हैवियर एलिमेंट्स वाइल अदर हैवियर एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप अदर एलिमेंट्स ऑफ दिस अदर हैवियर एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप डू नॉट फॉर्म पी पाई बॉन्डिंग। ठीक है, फुल स्टॉप लगा दो आंसर पर, ये है ना, ये लाइन दिमाग में रखना ये बात, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का आप मुझे एक बात बताओ, नाइट्रोजन अगर सिंगल बॉन्ड की मैं बात करूं, सिंगल बॉन्ड फॉस्फोरस फॉस्फोरस का, ध्यान से सुनो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इतना तो आपको भी पता है कि अगर मैं बॉन्ड डिसोसिएशन, अगर मैं एन टू में, अगर ट्रिपल बॉन्ड्स की बात करूं, अगर मैं एन टू की बात करूं और फॉस्फरस में पी फोर में बात करूं कि भाई दोनों में से बॉन्ड्स को ब्रेक करना किसमें इजी होगा, तो आप बोल दोगे कि यार पी फोर में बॉन्ड्स सिंगल बॉन्ड होते हैं उनको इजीली ब्रेक कर दोगे, ट्रिपल बॉन्ड में आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ मैं आपको क्या कहना चाह रही हूं कि नाइट्रोजन N2 होता है ना, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करना इजी होता है या फिर फास्फोरस के सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करना इजी होता है, सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करना इजी होता है, आ रही बात समझ में, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड की। अगर मैं यहाँ पे नाइट्रोजन के सिग्मा बॉन्ड की बात करूं, फास्फोरस के सिग्मा बॉन्ड की बात करूं, सिंगल बॉन्ड की बात करूं, तो इन दोनों में से किसको ब्रेक करना इजी होगा, नाइट्रोजन के, क्यों, क्योंकि इनमें पता है ना आपको स्मॉल साइज है, पास पास है, ये इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा इनके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, तो इजीली क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, यही चीज लिखी हुई है आपको एनसीईआरटी में भी। उसके बाद आ जाते हैं अब हम नेक्स्ट उसी में ही, लुइस, आपने लुइस एसिड वाला स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा कि हर एटम क्या चाहता है, अपने आस पास ऑक्टेट कंप्लीट कर ले बस, ठीक है। हाँ उसके बाद में नेक्स्ट आप देखो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, है ना, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, मतलब अब हम इनके हाइड्राइड्स की बात करने वाले हैं। हाइड्राइड्स जो होते हैं नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मथ में, इनके हाइड्राइड्स की भी हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। अब क्या क्या प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले अगर मैं बात करूं बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी की, आप बताओ बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी आपको क्या लगता है किसमें सबसे ज्यादा होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी किसके बॉन्ड्स को ब्रेक करना सबसे ज्यादा टफ होगा, एनएच थ्री के, ठीक है, क्यों, हाँ एक तो ये भी रीजन है, एक और रीजन है,
नहीं, वो तो है ही सही सब आपका। एक यहाँ पे एक अलग ही बॉन्डिंग हो जाती है। कौन सी बॉन्डिंग हो रही है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में? हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, ठीक है, आ रही बात समझ में? और इन दोनों का सेम साइज होता है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, ब्रेक करना टफ हो जाता है। किसके रिस्पेक्ट में? बिस्मिथ और हाइड्रोजन। यहाँ पे एक तो कुछ ज्यादा ही लार्ज है, एक कुछ ज्यादा ही स्मॉल है, तो बॉन्ड को ब्रेक करना ईजी हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा दूसरा जो है, दूसरी अगर मैं बात करूं इनके रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बात करूं, इनमें बताओ इन सब में सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग कौन सा होगा नेचर में? हाँ, बिस्मिथ का हाइड्राइड सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग होगा नेचर में। कैसे रिड्यूसिंग नेचर होने की बात है, आपको पता ना रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं भाई? मतलब पास वाले को हाइड्रोजन दे दो, समझो, मतलब कि बिस्मिथ हाइड्रोजन वाला बॉन्ड स्ट्रेंथ जिसमें सबसे कम होगी वो जितना जल्दी ब्रेक हो जाएगा, हाइड्रोजन अपने पास वाले को उतना जल्दी दे देगा, रिड्यूसिंग एजेंट। या फिर इसको मेटेलिक नेचर से भी देख सकते हो, मेटल्स क्या होते हैं, अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है। बाकी ये तो वही हो गया। उसके अलावा अगर मैं बेसिक नेचर की बात करूं, बेसिक नेचर इन सब में सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा वाला है? हाँ, NH3 क्या है, सबसे ज्यादा बेसिक होता है। क्यों सबसे ज्यादा बेसिक होता है, अंडरलाइन कर लो इस लाइन को, बिकॉज ऑफ द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन, ये सबसे ज्यादा बेसिक होता है। ये सबसे पहले भाई कि ले इलेक्ट्रॉन, किसी को चाहिए ना कि ले 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 इलेक्ट्रॉन, वैसे भी इन इलेक्ट्रॉन ने हमारी स्मॉल साइज है, इतना सा एरिया, इतने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, फालतू रिपल्शन हो रहा है, जल्दी से ले लो तुम, ठीक है, उस तरह से। उसके अलावा हाँ, यहाँ पे ये जो होता है NH3 लिक्विड होता है नेचर में बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, इन सॉलिड एज वेल एज इन लिक्विड स्टेट, बिकॉज नाइट्रोजन क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देता है। उसके बाद में नेक्स्ट देखो, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में ये दो टाइप के ऑक्साइड्स हैं, नहीं, कुछ भी नहीं है ना इसमें, कुछ नहीं, बस ये तीन चीजें, तीन चार जो मैंने फैक्टर्स बताए हैं वो रेगुलर ट्रेंड्स आपको याद रखने हैं, है ना, जो जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं। क्या इसमें बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में, अगर इनमें यहाँ पे देखो, हाँ, आप मुझे एक बात बताओ, चलो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं, आप मुझे एक बात बताओ, आइडियली क्या होना चाहिए ट्रेंड, कि भाई जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ता जाएगा, है ना, आप लोगों ने ऑर्गेनिक में भी पढ़ा ही होगा ना, कि अगर आपसे पूछ ले इन दोनों में किसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, इन दोनों में किसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्या बताओगे? इसका ज्यादा होता है, ठीक है ना, क्योंकि इसका मास ज्यादा है, तो वैसे ही यहां से ये ट्रेंड फॉलो होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है ये, क्यों क्यों, क्योंकि नाइट्रो इनमें क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है, तो बॉन्ड्स को ब्रेक करना और टफ हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे वो आपको एक उसमें बॉइलिंग पॉइंट में वो देखने को मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन पे, नेक्स्ट आ जाओ हाइड्राइड्स हमने पढ़ लिए हैं, ऑक्सीजन रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, आवाज नहीं, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ में दो टाइप के ऑक्साइड्स E2O3 एंड E2O5, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को हम अलग से डिस्कस करेंगे, टेबल बनाना है उनके, प्रॉपर स्ट्रक्चर्स भी बनाने हैं, पर वो बाद में दे रखा है तो बाद में करेंगे हम, है ना, अभी जिस अकॉर्डिंग में बता रही हूँ उस अकॉर्डिंग सुन लो। हाँ, अब ध्यान से सुनो, आप मुझे एक बात बताओ, अगर कोई हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, हाँ आवाज नहीं, अगर कोई हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो वो, आपको ये बात पता होगा कि वो क्या होता है, ज्यादा एसिडिक होता है नेचर में, है ना, जैसे मैग्नीज के केस में हम पढ़ते थे MnO और Mn2O7, आ रही बात समझ में, जैसे हम मैग्नीज के केस में पढ़ते थे ना MnO Mn2O7, इन दोनों में से कौन एसिडिक है कौन बेसिक है, ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, ये है ना, तो आप क्या करते थे कि जो ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, तो वैसे ही सिमिलरली इस ग्रुप में भी यही है कि जो जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, हाँ, जैसे नाइट्रोजन है, अगर यहाँ पे नाइट्रोजन की बात करूं NO NO2 N2O3 N2O5, है ना, तो यहाँ पे आपको इतना ध्यान में रखना है कि जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, मतलब +5 हो गया, है ना, +4, वो क्या होगा, उतना ज्यादा एसिडिक होगा, एसिडिक होगा, क्यों एसिडिक होगा, क्योंकि उसकी उतनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी, जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर फिर कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा डेवलप हो जाएगा, ठीक है, तो उतना ज्यादा क्या होगा, वो एसिडिक होगा, और अगर किसी की कम है ऑक्सीडेशन स्टेट तो वो कैसा होता है,
बेसिक है ना, लेस ऑक्सीडेशन स्टेट में वो कैसा एक्ट करता है, बेसिक। और उसके अलावा एनओ तो एम्फोटेरिक होता है, सीओ एम्फोटेरिक होता है, ठीक है। हाँ उसके बाद में आते हैं हम, और मेटल के ऑक्साइड भाई बिस्मत पे आ गए हम, तो बिस्मत का तो ऑक्साइड बेसिक होगा ही सही, मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, नॉन मेटल के एसिडिक होते हैं, ठीक है। उसके अलावा हाँ अब देखो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के तो प्योरली एसिडिक होते हैं, कुछ एक दो एम्फोटेरिक भी हो गए, बाकी आर्सेनिक एंटीमनी और किसमें बिस्मत में, ये कैसे होते हैं प्रीडोमिनेंटली, इनके ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन, हेलोजन में ये ट्राई हेलाइड भी बनाते हैं और पेंटा हेलाइड भी बनाते हैं, है ना, प्लस थ्री और प्लस फाइव की ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ में हेलोजन के साथ में ट्राई हेलाइड भी बना दिए और पेंटा हेलाइड भी बना दिए, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन में ये ट्राई हेलाइड भी बनाते हैं, पेंटा हेलाइड भी बनाते हैं। आपको पता है कि ट्राई हेलाइड और पेंटा हेलाइड में फिर वही सेम वही का वही क्वेश्चन आएगा यहाँ पे भी, कि आप मुझे एक बात बताओ जो प्लस फाइव पेंटा हेलाइड बनाने की जो कैपेबिलिटी है वो टॉप से बॉटम डिक्रीज होती जाती है ना, ट्राई हेलाइड की इंक्रीज होती जाती है, ऐसा क्यों? तो आपको यही इनर्ट पेयर इफेक्ट ही आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। उस टाइम पे मत कंफ्यूज हो जाना कि उस टाइम पे क्या आंसर होगा। हाँ उसके अलावा जो जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उतनी ज्यादा उसकी क्या होती है पोलराइजिंग पावर होती है, तो उतना ज्यादा ही क्या होता है कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, किसमें ज्यादा होगा पेंटा हैलाइड्स में ज्यादा होगा, है ना। उसके अलावा ऑल द ट्राई हैलाइड्स ऑफ दीज एलिमेंट्स एक्सेप्ट दैट ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ट्राई हैलाइड के अलावा बाकी सभी स्टेबल होते हैं, और NF3 भी है इज नोन टू बी स्टेबल। उसके अलावा बिस्मत का ट्राई हैलाइड प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट होता है नेचर में, ये तो अंडरलाइन कर लो, ट्राई हैलाइड एक्सेप्ट बिस्मिथ का ट्राइफ्लोराइड आर प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट इन नेचर। नाइट्रोजन का ट्राई हैलाइड जो हो गया, अगर मैं फ्लोराइड की बात करूं सिर्फ और सिर्फ, तो सिर्फ NF3 ही क्या है स्टेबल है, बाकी जो नाइट्रोजन के हैलाइड्स हैं वो अनस्टेबल ही है, ठीक है। नाइट्रोजन के बाकी के प्लस थ्री में, अब हैलाइड समझे यहाँ पे नाइट्रोजन प्लस थ्री में है क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन तो प्लस थ्री में है, तो सिर्फ और सिर्फ एक यही स्टेबल है, बाकी तो सभी उसके हैलाइड्स अनस्टेबल ही होते हैं, नाइट्रोजन प्लस थ्री कमी शो करता है। ऑक्सीजन के साथ में फिर भी इनके थोड़े बहुत होते हैं, हाँ इसमें आप ये प्लस थ्री प्लस फाइव वाली मोल पोलराइजिंग पावर, ये जो टॉप वाली लाइन है इसको अंडरलाइन कर लो, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर इज मोर इन पेंटा हैलाइड्स, है ना, ये बात हो गई। उसके बाद देख लो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल में, मेटल में ऑल एलिमेंट्स जो है मेटल के साथ में रिएक्ट करते हैं, है ना, और उसके अलावा यहाँ पे कौन सी जनरली माइनस थ्री की ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट होती है और ये इन सभी के साथ में रिएक्शन है इनकी, ठीक है। जनरली माइनस थ्री, माइनस में तो माइनस थ्री बता रहा है ना ये, तो मेटल के साथ में अगर आप इन एलिमेंट्स को रखोगे तो ये तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये माइनस थ्री में रहेंगे, बाकी वाले अपने वो मेटल्स प्लस में रहेंगे, तो उस अकॉर्डिंग इनके कंपाउंड्स ये हैं पॉसिबल। उसके बाद में हाँ डाइनाइट्रोजन की प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं अब हम, मैंने बताया प्रिपरेशन में से भी बाई चांस वो क्वेश्चन पूछ ले आपसे, है ना, तो प्रिपरेशन भी आपको एक दो तो रिएक्शंस याद रख के जाना, रिएक्शंस देखो रिएक्शंस आ गई ना अब आपके पास में, अमोनिया में भी देखो कितनी सारी रिएक्शंस हैं, इसकी नाइट्रोजन की डाइनाइट्रोजन की में देखो प्रॉपर्टीज में भी रिएक्शंस हैं, ये रिएक्शंस याद होनी चाहिए। सबसे पहले तो फर्स्ट रिएक्शन जो है इसको स्टार लगा के लिखो, कौन सी, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट की रिएक्शन, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट की रिएक्शन। नहीं 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 लिखना, जो भी लिखना होगा वो मैं बता दूंगी आपको, जो अभी जो बुक में ही स्टार लगा सकते हो वो स्टार लगा लेना बुक में ही। यहाँ पे देखो आप प्रिपरेशन डाइनाइट्रोजन की जो प्रिपरेशन है वो तीन तरह से की जाती है। सबसे फर्स्ट जो है अमोनियम क्लोराइड को आप अगर सोडियम नाइट्राइट में से रिएक्ट करवाओगे N2 रिलीज होगी, वाटर फॉर्म होगा और NaCl फॉर्म होगा, तो आपको ये प्रोडक्ट्स बनाने के लिए रिएक्शन पता होनी चाहिए एग्जाम में। दूसरी देखो आप, दूसरा यहाँ पे देखो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट पूछा गया क्वेश्चन है, ये बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है ये, कि व्हाट, हाँ व्हाट विल यू गेट व्हेन यू विल हीट अमोनियम डाइक्रोमेट, तो क्या मिलेगा, N2 मिलेगा, H2O मिलेगा और Cr2O3 क्रोमियम ऑक्साइड मिलेगा। अब यहाँ पे देखो ध्यान से रिएक्शन को कैसे याद रखोगे, फर्स्ट वाली जो रिएक्शन है और सेकंड वाली जो रिएक्शन है दोनों में दो प्रोडक्ट्स तो कॉमन है,
N2 और H2O, सिर्फ थर्ड प्रोडक्ट अलग है ना, तो उसके अकॉर्डिंग ही है ना, तो ये बात ध्यान से इस तरह से। और ये थर्ड जो है ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, सोडियम और बेरियम एजाइड को है ना, सोडियम और बेरियम एजाइड का थर्मल डिकम्पोजिशन से भी नाइट्रोजन बनती है, ऐसा पूछा गया था क्वेश्चन। सोडियम और बेरियम एजाइड BaN3 का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं एजाइड है ना, उसके अलावा यहाँ पे क्या बन जाएगा, बेरियम प्लस थ्राइस ऑफ N2 पूछा गया क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन से ये N2, क्या हम क्या कर रहे हैं, N2 की प्रिपरेशन के बारे में ही बात कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज पे आ जाओ, तीनों रिएक्शन पे स्टार लगा लेना, प्रॉपर्टीज पे आ जाओ। डाई नाइट्रोजन जो होती है कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है, नॉन टॉक्सिक गैस है। नॉन टॉक्सिक तो भाई एनवायरमेंट में प्रेजेंट है, टॉक्सिक होगी तो फिर कैसे क्या होगा, है ना। उसके बाद इसके दो स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं, सॉलिबिलिटी इन वाटर और ये लो फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। उसके अलावा ये सब, ये ऊपर वाली ये सब थोड़ा कम ही पूछा जाता है ना, ये बस हाँ जल्दी जल्दी ठीक है, एक बार रीड कर लिया ये हमने। उसके बाद में नाइट्रोजन जो होता है उसकी बहुत हाई बॉन्ड एसोसिएशन इंथैल्पी होती है, बिकॉज नाइट्रोजन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में ये कि हाई टेम्परेचर पे क्या होता है कि ये डायरेक्टली कंबाइन हो जाती है कुछ एलिमेंट्स के साथ में, कुछ मेटल्स के साथ में, और क्या बना लेती हैं, आयोनिक नाइट्राइड्स बना लेती हैं। क्या बना लेती हैं, आयोनिक नाइट्राइड्स, ठीक है। तो ये देख लेना आप, मेटल्स के साथ में किस तरह से कंबाइन होके आयोनिक नाइट्राइड बना ली है, आयोनिक, और अगर नॉन मेटल के साथ में होती है तो कोवेलेंट नाइट्राइड बना लेती है, कौन, नाइट्रोजन, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट जो है ये नाइट्रोजन, अभी डाई नाइट्रोजन की, अमोनिया की आगे हम प्रिपरेशन पढ़ेंगे ना, तब बता दूंगी हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस पढ़ तो रखा होगा आप लोगों ने पहले ही, है ना, N2 प्लस थ्राइस H2 से ट्वाइस NH3 होता है। अरे लीच एडलियर का जब बताया होगा ना आपको पिछले साल, तब ये वाला एग्जाम्पल काफी कॉमन रहता है, यही बताते हैं, है ना, कि क्या, कि भाई N2 प्लस थ्राइस H2 से क्या बना है, ट्वाइस ऑफ NH3। अब डेल्टा H क्या होता है, इसके लिए नेगेटिव होता है, तो बताओ इस रिएक्शन के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होंगी, टेम्परेचर और प्रेशर की, बताओ क्या होगी फेवरेबल कंडीशन इस रिएक्शन के लिए, अमोनिया के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ये रिएक्शन प्रोसेस होती है। तो क्या करते, या इसीलिए तो अभी हमें ये बात पता चल गई ना, तो अब हम क्या करते हैं कि अगर हमें फैक्ट्रीज में अमोनिया की प्रिपरेशन को बढ़ाना है ना, तो हम क्या करते जाएंगे, ये जो सुटेबल कंडीशन है वो करते जाएंगे, या फिर ये दो काम करो, या फिर अमोनिया हटाते जाओ हटाते जाओ हटाते जाओ, तो हटाते जाओगे ना तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होती जाएगी, टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ चेंज, बस। उसके अलावा डाई नाइट्रोजन जो है डाइऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होती है हाई टेम्परेचर पे, और क्या बनाती है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। यूजेस एक बार देख लेना, ठीक है, यूजेस आप खुद से देख लेना। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल 7.3, मैंने आपको क्या बोला है, एग्जाम्पल इंडेक्स्ड और एनसीईआरटी। अब ये ऐसा का ऐसा एग्जाम्पल का वन मार्क क्वेश्चन उठ के आ गया, तो फिर ठीक है ना, किस तरह से प्रोडक्ट बनाओगे वो ये है ना, तो मतलब ये देखो जो मैंने बताया ना आपको, पूछा गया क्वेश्चन है। अब यहाँ पे बेरियम का देखा, यहाँ पे सोडियम का एजाइड का पूछ लिया आपसे। उसके बाद नेक्स्ट देखो अमोनिया की प्रिपरेशन, अमोनिया की जो प्रिपरेशन है वो फर्स्ट किससे, यहाँ पे देखो क्या है, यूरिया है, यूरिया में सबसे पहले वाटर एड करो, है ना, अमोनियम कार्बोनेट बनेगा, फिर वो अमोनियम कार्बोनेट किसमें हो जाता है, फर्दर ब्रेक हो जाता है अमोनिया वाटर और CO2 में। स्टार मार्क लगाओ रिएक्शन को, देखो रिएक्शन तो कोई सी पूछी जा सकती है, रिएक्शंस तो एक एक बार करनी ही है हमें। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन देखो, अमोनियम क्लोराइड जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है, अमोनिया वाटर और कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, अमोनियम सल्फेट जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करके तीन प्रोडक्ट्स दे रहा है, तीन प्रोडक्ट्स दे रहा है, ठीक है, क्या है, अमोनिया वाटर और सोडियम सल्फेट। ये जो तीन रिएक्शन है ना, ये अभी इतनी नहीं पूछी गई है, पर हाँ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अभी क्या पूछा गया है ना वो मैं आगे बता दूंगी, ये हेबर्स प्रोसेस इन्होंने करके बता रखा है ना, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर जो है ये लीच एटलियर के फेवर में रहेगा, ये इस तरह से अमोनिया की प्रिपरेशन की जाती है बाय हेबर्स प्रोसेस। नहीं नहीं ये डायग्राम वाइग्राम नहीं पूछा जाएगा, हाँ
डायग्राम वाइग्राम नहीं होगा, बस आपको बस ये कंडीशंस पता होनी चाहिए, इस तरह से वो पूछ सकता है मे बी, अगर पूछ लिया उसने तो, या फिर वो स्पेशली आपको इसकी, हाँ साउंड क्लियर आ रही है जो ऑनलाइन है उनको, या फिर अटक अटक के आ रही है? अच्छा आप लोगों को कहाँ अटक अटक के आ रही होगी, डिस्टर्बेंस हो रहा है क्या? अच्छा माइक में प्रॉब्लम, अरे पता नहीं अब मैं क्या करूं यहाँ पे, मैं वापस उनको बोल देती हूँ, फिर आप हाँ भर देते हो कि हाँ आप तो वॉइस आ रही है, अब तो वॉइस आ रही है, फिर एकदम से बैटरी तो अभी 2 दिन पहले तो चेंज की थी। अच्छा सुबह से शाम, तो सुबह से अच्छा, क्या पता सुबह से क्या पता क्लास नहीं लग रही हो इस रूम में। अच्छा तो आप लोग की मैथ्स की क्लास स्टार्ट हो गई क्या लगने? अच्छा ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अमोनिया अमोनिया पे आ जाओ अब, अमोनिया अमोनिया ये हाँ हाँ बस वही काफी लूज है पिन इसमें। पूरा सिस्टम अच्छा 3 o'clock पे होती है, सेकेंड फ्लोर, ठीक है 3 o'clock सेकेंड फ्लोर, डाउट क्लास, सॉरी 3 o'clock पे सेकेंड फ्लोर डाउट क्लास, और वो भी देख लेना आप किस दिन होती है किस दिन नहीं होती है, ठीक है? हाँ उसके बाद में ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, इस पे तो बहुत क्वेश्चन पूछा गया, अभी आएंगे इस पे भी अभी हम। हाँ अमोनिया पे आ जाओ, अमोनिया की प्रॉपर्टीज पे आ जाओ, प्रॉपर्टीज जो है अमोनिया की, कलरलेस गैस होती है विद पंजेंट्स ऑर्डर, उसके अलावा इसके जो फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो गिवन है, सॉलिड लिक्विड स्टेट में, हाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाती है ये वाटर के साथ में, और हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं एज एक्सपेक्टेड, बिकॉज अमोनिया का भी हमने डिस्कस किया था नाइट्रोजन के हाइड्राइड में, ट्राइगोनल पिरामिडल इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? उसके अलावा नेक्स्ट जो है, हाँ अमोनिया जो है वो बेस की तरह काम करती है, मतलब अमोनिया जो है, अमोनिया की वाटर के साथ में रिएक्शन देखो, वाटर के साथ में क्या रिएक्शन दे रही है अमोनिया जो है वो, वाटर के साथ में NH4+ ion+ OH-, ठीक है? वाटर में, वाटर के साथ में एक ऐसा बेसिक होते ही है OH- ion। उसके बाद नेक्स्ट देखो, जिंक सल्फेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की जो रिएक्शन करवाई है उससे, हाँ जिंक हाइड्रोक्साइड बना है प्लस अमोनियम, यहाँ पे तो डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, एक्सचेंज ऑफ आयंस कर दिया है यहाँ पे डायरेक्टली, फेरिक क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में ब्राउन प्रेसिपिटेट बनता है प्लस अमोनियम क्लोराइड बनता है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आवाज नहीं, ध्यान से सुनो, यहाँ पे ये अंडरलाइन करो कि ऊपर से फोर्थ लाइन जो है कि फाइंड एप्लीकेशन इन डिटेक्शन ऑफ मेटल आयंस, मेटल आयंस सच एज Cu+2 और Si+, कॉपर प्लस, पेज नंबर 177 पे ऊपर से फोर्थ लाइन है कि हाँ मतलब अमोनिया जो है उसका यूज किया जाता है फॉर डिटेक्शन ऑफ सम आयंस, आयंस लाइक Cu+2 Si+, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों को 12th क्लास में जो बोर्ड में एक्सपेरिमेंट्स आते हैं ना वो यही आते हैं, आपको सॉल्ट दे दिया जाएगा कि कौन सा आयन है इसमें बताओ, आई बात समझ में तो अब आप सारा का सारा पूरी केमिस्ट्री की लेबोरेटरी में घूम लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बूस्ट बैच से, अच्छा 12th में क्रैश कोर्स बोर्ड डिवीजन के लिए, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है।
क्या बताया मैंने आपको, कॉपर प्लस टू बुक, एनसीईआरटी बुक लेकर आए हो आप? फर्स्ट पार्ट एनसीईआरटी नहीं लाए हो? उनके पास चल जाओ आप, या तो फिर आप जैसे भी है ना। हाँ, अब क्या हुआ है, एक्चुअल में क्या हुआ है, ध्यान से सुनो। जब आपने कॉपर प्लस टू को अमोनिया के साथ में, कॉपर प्लस टू मतलब आपको जो सॉल्ट दे रखा है ना, उसमें कॉपर प्लस टू आयन होगा ही, सॉल्ट है तो कॉपर प्लस टू आयन होगा ही, तो वो क्या करता है, यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है। क्या बना लेता है? कॉम्प्लेक्स बना लेता है। अब यही कॉम्प्लेक्स हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़ने वाले हैं, इन्हीं कॉम्प्लेक्स की केमिस्ट्री हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इनका नेम नोमेनक्लेचर किस तरह से किया जाएगा, हाँ, उसके अलावा इसमें कितने क्या बोलते हैं, क्या इसका बिहेवियर है, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है, पैरामैग्नेटिक नेचर है या नहीं है, ये सब हम इस टाइप के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का आगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। वहां पे ये इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, डीप ब्लू। अगर आपने, आपको जो सॉल्ट गिवन है, आपको नहीं पता कौन सा सॉल्ट है ना, आप पर आपके सर ने आपको ये सॉल्ट दे दिया कि लो इसमें बताओ कौन सा आयन है, आप क्या करोगे, अमोनिया के साथ में उसमें ट्रीट किया, अगर आपको डीप ब्लू कलर देखने को मिल जाए, मतलब कौन सा है, ये कॉपर आयन प्रेजेंट है, ठीक है। जनरली कॉम्प्लेक्स आयन बना के हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा आयन प्रेजेंट है, तो उसके लिए कलर्स याद रखने होते हैं। अब देखो जैसे कि यहाँ पर है सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड की जब आप अमोनिया के साथ में रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा सिल्वर, यहाँ पे दो अमोनिया रहेंगे, उसके अलावा यहाँ पे एक सीएल बाहर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो होता है ये व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट से ये क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये दो रिएक्शन पता होनी चाहिए। हाँ, उसके अलावा अब देखो इंटेक्स क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 7.5, इंटेक्स क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 7.5 देखो, इंटेक्स क्वेश्चन का 7.5 देख रहे हो, आया हुआ क्वेश्चन है ये, आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो जो भी मैं बता रही हूँ ना, तो वो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है, वो तो पढ़ के ही जाना है, बस वो पढ़ के चले जाना। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन पे, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं, एग्जैक्टली नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स देखो, N2O, NO, टेबल टेबल में क्या इंपॉर्टेंट है वो भी मैं बता दूंगी। टेबल में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला और ऑक्सीडेशन स्टेट इंपॉर्टेंट वगैरह नहीं पूछी जाती। N2O, NO, N2O3, N2O5, N2O4 भी है, हाँ N2O4 और N2O5, ठीक है। NO2 नहीं लिखा क्या मैंने, एक मिनट, हाँ, +1 +2 +3 +4 +5, NO2 भी है, +4 वाला ही है, इसमें भी NO2 भी है, यहाँ पे है, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट पता होनी चाहिए। अब ध्यान से सुनो, नाइट्रोजन जो है ऑक्सीडेशन स्टेट +5 तो बता रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट और कोवेलेंसी में डिफरेंस होता है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। ये दोनों चीजें दिमाग में रखना, यूं नहीं कि नाइट्रोजन तो भाई +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो ही नहीं कर सकता, वो तो +4 तक ही करता है, नहीं, कोवेलेंसी अलग होता है और ऑक्सीडेशन स्टेट अलग टर्म्स होते हैं ना, वहां पे एग्जाम में मत कंफ्यूज हो जाना। उसके बाद में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाओ, इस टेबल पे स्टार मार्क लगा लो, और इस टेबल पे भी दो जो मैं बता रही हूँ उन पे स्टार मार्क लगाओ, एक तो लगाओ NO2 पे और एक लगाओ N2O5 पे, NO2 और एक N2O5 पे। अब देखो एक्चुअल में क्या होता है ना, यहाँ पे एक तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ना, तो यहाँ पे सपोज मैं इसको प्लस से बता देती हूँ, इसको माइनस से बता देती हूँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, दो तो ये बॉन्ड हो गए, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ना, तो या तो मैं इसको एरो बना के बता दूं या प्लस माइनस से बता दूं। नाइट्रोजन के ऊपर एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है सबको, एक अनपेड क्या, एक ही सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना, एक तो आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे आप देखो नाइट्रोजन है कितने, 2 2 4, 2 6 7, और प्लस चार्ज के कारण मतलब 8 थे इसमें, आई बात समझ में, ऑक्टेट हो गया, यहाँ पे 4 5 6 7 8, 2, ठीक है, यहाँ पे एक कितना हो गया, 3, 4 5 6 7 8,
ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछा जाए, इसका रेजोनेटिंग, एक मिनट, एक और आएगा यहाँ पे, क्योंकि उसने क्या किया है, हाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिया है। अब देखो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछा गया है एग्जाम में, तो क्या करोगे, इस साइड डबल बॉन्ड कर दोगे, इस साइड ओ माइनस, यहाँ प्लस, और यहाँ पे ये फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आगे बात समझ में, इसका ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में। उसके अलावा ये किसका मैंने बताया आपको, NO2 का। दूसरी चीज आपको इसमें ध्यान में रखनी है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है NO2 फॉर्म डाइमर, फॉर्म डाइमर है ना, वाई, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। अरे भाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसको तो एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा ना, कि भाई हम एक एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेंगे, तो ये क्या करेगा, दूसरे वाले नाइट्रोजन को बोल देगा कि चलो हम दोनों ही मिल जाते हैं, है ना, तो यहाँ पे क्या कर लेगा, डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, ये क्या बन गया आएगा, इसका डाइमर बन जाएगा। ठीक है, N2O4, ठीक है, आ रही बात समझ में। अगर वो आपसे बोल दे कि NO2 फॉर्म डाइमर वाई, तो NO2 का स्ट्रक्चर बता देना, उसमें बता देना देखो भाई इसमें आए हुए एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो वो दूसरे वाले नाइट्रोजन के साथ में अटैच होके क्या बना लेता है, डाइमर बना लेता है। अगर एक्चुअल में इसमें मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी करूं, तो वो इस तरह से होता है, नाइट्रोन के आसपास चार बॉन्ड जब होता है ना, तब हमेशा ध्यान रखना नाइट्रोन पे प्लस चार्ज आता है, ठीक है, NH4+, है ना। हाँ, उसके अलावा जो दूसरा जो पूछा गया है, वो पूछा गया है N2O5 का, ये भी बहुत बार पूछा गया है, N2O5 के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इन दोनों की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछी गई है, तो क्या करना है, इसी तरह से सेम सेम इसी तरह से है, ठीक है, और अगर बनाना हो तो यहाँ पे आपको पता है या तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देना, या फिर चार्ज सेपरेशन इस तरह से करके बता देना। दूसरी वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगी, इसको तो इधर ही रखना, इस डबल बॉन्ड को इसको यूं उल्टा कर देना, ठीक है, अब देखो ये N2O5 है, कोई भी चार्ज नहीं इस मॉलिक्यूल पे, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, किस साइड वाले का, लेफ्ट साइड, अरे तो ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है एक दूसरे की, समझ, मैं समझी नहीं आपका क्या कहना चाह रहे हो, यहाँ, अच्छा लेफ्ट साइड में इसी स्ट्रक्चर में, हाँ, वो वैसे भी कर सकते हैं, हाँ वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है, ये इसकी क्या हो गई, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गई, हाँ मतलब वो इसी के इक्विवेलेंट ही है, एक को कांस्टेंट रखो, दूसरे वाले को यहाँ पे आप कर दो, देखो जैसे इसमें दे रखा है, एक को क्या करो कांस्टेंट रखो, या तो दोनों दोनों सेम साइड होंगे, या दोनों पाई बॉन्ड सेम साइड, दोनों पाई बॉन्ड ऑपोजिट साइड, ठीक है, अब अगर आप उस वाले को भी करोगे तो वो तो वही बात हो जाएगी, ठीक है, स्टार मार्क लगा लो इस पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पे, NO2, N2O3, NO और N2O, इनकी ऑल पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। हाँ ये दो, हाँ देखो दो, या तो दोनों के दोनों सेम साइड हो, या दोनों के दोनों ऑपोजिट साइड हो, फिर बाकी वाले केसेस तो इन्हीं के रिपीटिंग होते हैं, वो आई बात समझ में, बाकी वो सेम वही हो जाएगा, नहीं, बाकी वो सेम वही हो जाएगा, नहीं, इसके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो यही दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसके भी यही दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ पे आपके यहाँ पे इसमें ये इस तरह से होगा, और यहाँ पे इस तरह से, कैसे, क्योंकि ये दोनों या तो सेम साइड, या फिर दोनों ऑपोजिट साइड, देखो आप लोगों को ये टेबल जो है, टेबल 7.4 पे स्टार मार्क लगा लो, और जिसमें टेबल 7.4 पे स्टार मार्क लगा लो, देखो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं लिखवा दूंगी, और ये जो डाइमर वाला क्वेश्चन है ये आपका एग्जाम्पल है, तो एक तो टेबल, एक मिनट, टेबल 7.4 पे स्टार मार्क लगा लो, जिसमें आपसे NO2 और N2O5 पूछा जाता है,
उसके अलावा ये देखो वो जो मैंने लिखवाया था, क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, ये तो टेबल इस पे स्टार मार्क लगा लो, इन दोनों पे ये दोनों पूछे जाते हैं। क्वेश्चन लिखो, व्हाई डज एनओ टू डाइमराइज, क्वेश्चन लिखो, व्हाई डज, क्वेश्चन लिखो, व्हाई डज एनओ टू डाइमराइज, ठीक है, व्हाई डज एनओ टू डाइमराइज। आंसर लिखो, एनओ टू कंटेन, एग्जैक्टली, इसमें क्या लिखोगे, इसमें आंसर लिखो, एनओ टू कंटेन ऑड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इट बिहेव एज, एग्जैक्टली, वाह सारा कुछ पता है, हाँ, इट बिहेव एज टिपिकल ऑड मॉलिक्यूल ऑन डाइमराइजेशन, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ऑन डाइमराइजेशन इट इज कन्वर्टेड इनटू, एग्जैक्टली, ऑन डाइमराइजेशन इट इज कन्वर्टेड इनटू N2O4 विच इज एन इवन मॉलिक्यूल, विच इज एन इवन मॉलिक्यूल, विच इज विच कंटेन एन इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिख लो चलो इवन मॉलिक्यूल या ऑड मॉलिक्यूल भी, वो भी सही था यार, विच इज एन इवन मॉलिक्यूल, विच कंटेन इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ नाइट्रिक एसिड पर, हाँ बताओ, आप बताओ क्या होगी, N2O5 में नाइट्रोजन की कोवेलेंस कितनी होगी, फोर, कितनी होगी, फोर, कितने बॉन्ड्स हैं, फोर, उसके बाद नेक्स्ट देखो नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड में प्रिपरेशन, प्रिपरेशन कैसे करोगे, सबसे पहले लेबोरेटरी में कैसे, हाँ नाइट्रिक एसिड बाय हीटिंग पोटेशियम नाइट्रेट या फिर सोडियम नाइट्रेट इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, स्टार लगाओ इस रिएक्शन को, इस रिएक्शन को स्टार लगाओ, पूछी गई रिएक्शन है ये, है ना, लेबोरेटरी में इस तरह से प्रिपेयर की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, हाँ ऑन लार्ज स्केल, लार्ज स्केल पे बाय बाय ऑसवाल्ड्स प्रोसेस, ट्रिपल स्टार लगा लो इस पे, हाँ कैसे, क्योंकि हेबर्स प्रोसेस इस टाइप से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है वो आपसे, ये प्रोसेस किसके प्रिपरेशन के लिए होता है, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, ठीक है। सबसे पहले देखो इसमें क्या करते हैं हम लोग, अमोनिया है, अमोनिया किसके साथ में, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ में, किस किस की प्रेजेंस में, प्लेटिनम की प्रेजेंस में, एज अ कैटेलिस्ट क्या फॉर्म करता है, नाइट्रोजन, एनओ, नाइट्रोजन ऑक्साइड फॉर्म किया प्लस H2O फॉर्म किया, सॉरी, फिर जो NO है वो किसके साथ में रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ में, और क्या बना लेगा, NO2, और फिर ये जो NO2 है ये वाटर के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाएगा, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस, हाँ ये रोम आरएच, मुझे भी चेक करना पड़ेगा आरएच क्या कहना चाह रहा है ये, क्योंकि कोई एलिमेंट तो नहीं है ये, बस एक बार चेक करो, गॉग कैटलिस्ट, आरएच गॉग कैटलिस्ट, रिएक्शन बैलेंस, हाँ रो, रोडियम है ना,
ठीक है, 4NH3 प्लस 5O2 प्लेटिनम या फिर रोडियम की प्रेजेंस में ये क्या बना लिया इसने, 4 ऑफ NO प्लस 6 ऑफ H2O। यही NO इधर आएगा, ये वापस से इसी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा और यहाँ पे ट्वाइस आएगा, यहाँ पे ट्वाइस आएगा। उसके बाद ये NO2 जो है ये वाटर के साथ में रिएक्ट करके HNO3 बनाएगा प्लस NO। ठीक है, आ रही बात समझ में? फाइव हंड्रेड केल्विन और 9 बार, हाँ मतलब अराउंड वही हो गया, 500 केल्विन है। अच्छा आपका डिग्री सेंटीग्रेड, अच्छा नहीं, 500 केल्विन, 500 केल्विन और 9 बार होता है ये टेम्परेचर और प्रेशर। ये तो ना भी लिखो तो, पर ये तीन रिएक्शन, ये तीन स्टेप्स होते हैं। हाँ फिक्स होता है ये फिक्स होता है। स्टेप 1, स्टेप 2 और ये स्टेप 3। नेक्स्ट, इसमें नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड आपको पता है कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर होता है, काफी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। वाटर में डिजोल्व करने के बाद ये क्या प्रोड्यूस करेगा, H+। उसके बाद में पेज नंबर 180 पे कॉपर और जिंक की रिएक्शन पे स्टार लगा लो। डाइल्यूट और कंसेंट्रेटेड दे रखा है, उसको अंडरलाइन कर लेना कि ये तो हमें देख के ही जानी है, ये दो रिएक्शंस तो बहुत ही बार पूछी गई है ये रिएक्शन। पेज नंबर 180 पे देखो, कॉपर और जिंक की नाइट्रिक एसिड के साथ में। अब क्वेश्चन ये बोल देता है वो डाइल्यूट के साथ में है कि कंसेंट्रेटेड के साथ में है। सबसे पहले देखो, कॉपर जो है अगर वो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ में कर रहा है, कॉपर नाइट्रेट फॉर्म किया है उसने, है ना, एनओ फॉर्म किया है वाटर। बस ये ध्यान में रखना कहाँ पे एनओ बनेगा, कहाँ पे NO2 बनेगा। सेकेंड रिएक्शन में भी दो प्रोडक्ट्स तो सेम ही है, नाइट्रेट दोनों में ही बनेंगे, वाटर भी दोनों में ही बनेंगे, पर नाइट्रोजन का कौन सा वाला ऑक्साइड बन रहा है वो आप लोगों को याद करना है फिर वो। ठीक है, डाइल्यूट नहीं, डाइल्यूट और कंसेंट्रेटेड में तो डिफरेंस हो गया ना, कि यहाँ पे आपने HNO3 जो है वो कैसा है कि भाई ज्यादा अमाउंट में है तो कंसेंट्रेटेड हो गया, तो वो अलग तरह से नाइट्रोजन का ऑक्साइड, समझ रहे हो, मतलब नाइट्रोजन का ऑक्साइड निकल रहा है वो उसको और ऑक्सीडाइज कर दे रहा है। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे फर्स्ट में था डाइल्यूट था तो एनओ था, अब उसने क्या ऑक्साइड निकल रहा है और ऑक्सीडाइज कर दिया। ठीक है, तो कंसेंट्रेटेड होगा तो आपको पता है ना HNO3 क्या होता है, वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे ऐसा ही हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो क्या बोलते हैं कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, एल्यूमिनियम अगर दे दिया तो प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर फॉर्म कर लेते हैं वो अपनी सरफेस पर। पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा है कि एलिमेंट्स अपनी सरफेस पे एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर लेते हैं, तो अगर आपको इनसे रिएक्शन करवानी है तो सबसे पहले तो इनकी लेयर को रब किया जाता है, वो लेयर हटाई जाती है, उसके बाद ये रिएक्ट करते हैं। हाँ क्लियर करवा दोगे तो फिर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर जनरली अगर आप देखोगे तो अगर इनकी वो लेयर नहीं हटी है तो नहीं करेंगे ये रिएक्ट, क्योंकि प्रोटेक्टिव लेयर है वो। ठीक है, उसके बाद नॉन मेटल की ऑक्साइड्स चारों के चारों को स्टार लगाओ, कोई सी भी पूछी जा सकती है, आयोडीन की, कार्बन की, सल्फर की और फास्फोरस की, ये चारों की चारों जो रिएक्शंस हैं। अब यहाँ पे देखो आप, आपको अभी रिएक्शन में पता है क्या याद रखना है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपको जिंक की रिएक्शन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ में दे दी, आपने रिएक्शन लिख दी, NO2 सब लिख दिया, लेकिन आपको रिएक्शन बैलेंस भी तो करके आनी है, तो आप 1 लगा 1 लेके देखोगे, 2 लेके देखोगे, किसका दिमाग जाएगा कि चलो हम 10 लेके देख लेते हैं डायरेक्ट, फोन 4, यहाँ पे 4 जिंक ले लेते हैं, यहाँ पे 10 ले लेते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 ऐसे करके चेक कर रहे हो आप, पता चला आप जैसे उसमें तो फिर भी कर लिया सल्फर वाले में, है ना, तो आप लोगों को एक एक दो दो बार तो ये रिएक्शन खुद से लिख के देख लेना, इनको बैलेंस करके लिख के देख लेना। आप लोग एग्जाम में कर दोगे, पर एग्जाम में थोड़ा हड़बड़ी होती है ना कि यार क्या स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, 1 रख के देख रहे हो फिर 2 रख के, हाइड्रोजन बैलेंस कर दे ऑक्सीजन गड़बड़ हो जा रही है, ऑक्सीजन कर दे वो गड़बड़ हो जा रहा है,
तो एक एक बार इनके स्टेक्योमेट्रिक कोफिशियंट्स भी एक एक बार ध्यान में रखने का ट्राई करना कि हाँ यार ये इस तरह से था। इतनी चीजें ऑल दो नहीं याद रहती हो तो आप क्या बोलते हो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हो ना, क्योंकि ये चैप्टर में ये चारों की चारों रिएक्शन तो बहुत बार पूछी गई है, कॉपर और जिंक के साथ नाइट्रिक एसिड की डाइल्यूट और कंसिडर, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन भी मिल जाएगा आपको, या तो एनसीईआरटी में मिल जाएगा ये वाला एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिल जाएगा ये वाला, कि ये डाइल्यूट के साथ में करता है तो क्या बन रहा है और कंसेंट्रेटेड के साथ में क्या बन रहा है। अगर वो एग्जाम में नहीं वैसा नहीं आया तो वो 1 मार्क में पूछ सकता है कि राइट डाउन ऑल द पॉसिबल प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, है ना, व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HNO3, तो अब वो जो प्रोडक्ट है वो किसी भी तरह से और 4 पॉसिबिलिटी में लिख सकता है वो, तो क्योंकि नाइट्रोजन के तो इतने सारे ऑक्साइड्स हैं, अब आपको तो मेन तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड ही सही पकड़ना है उन चारों के चारों प्रोबेबिलिटीज में, चारों के चारों ऑप्शंस में, है ना। तो बस यही बात है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट। सबसे पहले तो कि जो ब्राउन रिंग टेस्ट, स्टार लगाओ इस पे, किसके लिए किया जाता है? नाइट्रेट्स की प्रेजेंस के जानने के लिए ये क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट में क्या किया जाता है, सबसे पहले फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन लिया जाता है, उसको ऐड किया जाता है नाइट्रेट, जो नाइट्रेट कंटेनिंग कंपाउंड में, है ना, किसका, फेरस सल्फेट का नाइट्रेट। आपको नाइट्रेट का टेस्ट करना है, आपको सॉल्ट लाके दे दिया कि ये लो बताओ इसमें, या तो आपको, मे भी ऐसा कर सकते हैं कि आपको बता देंगे कि देखो बेटा इसमें नाइट्रेट है, बताओ अब नाइट्रेट की प्रेजेंस बताओ कि किस तरह से आप डिटेक्ट करोगे नाइट्रेट को, है ना। तो या फिर प्रैक्टिकल में आपसे 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रैक्टिकल में वाइवा भी तो होता है ना, तो वहां पे पूछ लेगा कि ब्राउन रिंग टेस्ट जो है वो कौन से आयन के डिटेक्शन के लिए होता है। हो गई, आप लोग तो क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल्स वगैरह, स्कूल्स खुल रहे हैं ना तो फिर जाओगे प्रैक्टिकल करने के लिए। और कुछ है नहीं है, एक तो टाइट्रेशन होता है, टाइट्रेशन तो बहुत इजी सा होता है। देखो प्रैक्टिकल में तो वो आप लोगों को एक प्रोजेक्ट देते हैं बनाने के लिए, आदि बस हमें प्रोजेक्ट फाइल फाइल बना के लेके जानी पड़ती है, वो तो वो है। अच्छा प्रैक्टिकल भी हो जाते हैं वो सब, हाँ, तो वो उसी, वो जो जिसपे प्रोजेक्ट बनाते हो ना उसी पे क्वेश्चंस कर लेते हैं वो आपसे। हाँ तो इस बार बनाए नहीं तो अभी मे भी बनवा दें वो, या फिर जो भी, अगर वो नहीं उस पे नहीं, अगर प्रोजेक्ट बना दिया तो आपके लिए वो प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि क्या आप किसी पे भी बना दो तो वो इजी सा टॉपिक भी ले लो ना, तो हाँ हमें तो पता है इस बारे में, अदरवाइज अब उनके पास बहुत ज्यादा रेंज हो जाएगी तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं आप लोगों से। अच्छा हाँ, तो फिर वही है कि, और उसके अलावा दूसरा जो उसमें कुछ ज्यादा नहीं होता, एक तो टाइट्रेशन होता है, टाइट्रेशन तो इजी होता है वो, है ना, वो तो आप इजीली कर दोगे, वो तो सब में रीडिंग वगैरह देख लेना उसमें तो वो बता देते हैं कि ऐसे एक दो बार करोगे तो प्रैक्टिस हो जाती है। दूसरा जो होता है थोड़ा टफ होता है वो होता है आयंस की टेस्टिंग, है ना, कि आयन वगैरह, हाँ वो थोड़ा सा कि भाई अब वो आपके स्कूल वालों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना आपको पास करवाने के फेवर में है। है ना,